नमस्कार, असीम आर्यावर्त में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और कुछ दिन पहले की बात है कि चर्चाओं का बाजार जो है वो बहुत गर्म था कि अभिषेक बच्चन जो है वो समाजवादी पार्टी के तरफ से प्रयागराज से चुनाव लड़ने वाले हैं 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में। तो फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से ये स्टेटमेंट रिलीज की गई या उनके तरफ से ये वक्तव्य दिया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है और ये बस भ्रम मात्र है, इसमें कोई सत्य नहीं है। लेकिन अभिषेक बच्चन का राजनीति में आना कोई असाधारण सी बात होगी, क्योंकि अगर हम देखें तो बच्चन परिवार का राजनीति से काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है। तो हम इसको थोड़ा डीपली देखेंगे और इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है चैनल को एक्सपेंड करने की और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी जो बात है वो पहुँचाने के लिए। तो चलिए थोड़ा हम इसको डिटेल में जानते हैं कि अभिषेक बच्चन का जो सिनेरियो है वो कैसा है। तो सबसे पहली बात है कि न्यूज़ में हम देखते हैं, ये न्यूज़ है, अभिषेक बच्चन टू कॉन्टेस्ट 2024 पोल्स फ्रॉम प्रयागराज। प्रयाग समाजवादी पार्टी रविशेष रिपोर्ट्स एज मेयर र्यूमर्स। तो वही बात जो मैंने आपको बताई है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, प्रयागराज इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ बिग बी, यानी अमिताभ बच्चन का वो जन्म स्थान है और वहाँ पर उन्होंने चुनाव लड़ा था कांग्रेस के टिकट पे और बहुत ही भारी मात्रा में वोटों से उन्होंने चुनाव जीता भी था। और जिस अपोजिशन को उन्होंने डिफीट किया था उनका नाम था हेमवती नंदन बहुगुणा। तो ये अमिताभ बच्चन का पॉलिटिकल कैरियर जो था उस समय की बात है। और अब उसी हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी जो है वो प्रयागराज से MP है BJP के टिकट पे। पहले ये समाजवादी पार्टी में ही थी, फिर उन्होंने अपना जो पार्टी है वो चेंज कर ली। तो ये उनकी बेटी को अब अमिताभ बच्चन के बेटे सामने आमने सामने होगा। तो ये भी इंटरेस्टिंग पहलू है और हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे समाजवादी पार्टी में लोग हों जो एक्सपेक्ट कर रहे हों कि इतिहास को फिर से दोहराया जाए और जो अमिताभ बच्चन ने अपने समय में किया था वही अभिषेक बच्चन अब इस समय भी करें। तो लेकिन बात फिर वही है कि इसको पार्टी के तरफ से ही र्यूमर घोषित कर दिया गया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें क्या कहा गया है, पार्टी लीडर जैसे यमुनापुर पप्पू लाल निषाद वो कहते हैं कि ये मात्र डिस्कशन है, मतलब वार्तालाप है, इसमें अभी कोई सच्चाई नहीं है या कोई कंक्रीट अप्रूवल नहीं आया है। सैयद इफ्तिकार हुसैन के तरफ से भी ये कहा गया है कि अभी इलेक्शन आने में समय है तो इसके बारे में कोई ज़्यादा डिसीजन लिया नहीं गया है। और फिर अनूप संधा वो कहते हैं कि अभिषेक बच्चन न पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं न इलेक्शन लड़ने वाले हैं। लेकिन अगर देखें तो यहाँ पे आप यहाँ से टाइमलाइन देखें, ये पूरा अमिताभ बच्चन का एक तरह से टाइमलाइन है कि वो किस तरह से उनका कनेक्शन रहा है राजनीति से या राजनीति के लोगों से। तो सबसे पहली बात है ये डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन से ही शुरू होती है। हरिवंश राय बच्चन जो थे वो अमिताभ बच्चन के पिताजी थे और वो नेहरू सरकार के समय विदेश मंत्री में हिंदी के पोस्ट पे कार्यरत थे, हिंदी ऑफिसर कहा जाता है कि वो वहाँ पे थे। और जवाहरलाल नेहरू के साथ उनका एक पर्सनल अटैचमेंट था, हो सकता है वो रिश्ता मित्रता का ना हो लेकिन एज ए एक्वेंटेंस भी जवाहरलाल नेहरू उनको पहचानते थे और उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी देते थे। फैमिली टाइज शुरू हुआ जब हरिवंश राय बच्चन की जो उस समय मतलब उनकी जो पत्नी थी तेजी बच्चन, उनका और इंदिरा गांधी के बीच में घनिष्ठ मित्रता थी। तो फिर फैमिली के बीच में भी मित्रता यहाँ से देखने को मिली। उसके बाद फिर अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी के बीच में भी घनिष्ठ मित्रता बन गई थी। अब अभिषेक जो बच्चन परिवार है वो राजीव गांधी के
विवाह में जो कि सोनिया गांधी के साथ भी हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, चाहे वो रिश्ते के मामले में हो या फिर शादी के जो जितने भी फंक्शंस हो उसके मामले में भी। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा घनिष्ठ मित्रता देखने को मिली और दोनों फिर वेकेशन भी साथ करते थे, मतलब राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो INS विराट की एक घटना है जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक समय कही थी और इसको फिर बहुत ज़्यादा उस पर फोकस आया था कि जो राजीव गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे वो लक्षद्वीप में वेकेशन करने गए थे और उन्होंने अपने ससुराल से भी लोगों को बुलाया था, साथ में अमिताभ बच्चन की फैमिली भी वो उस वेकेशन में थी। और इस वेकेशन, क्योंकि राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे तो सिक्योरिटी के लिए पूरा का पूरा जो एक वहाँ पे INS विक्रांत सॉरी विराट जहाजी बेरा वो वहाँ पे अवेलेबल था, जो कि एक बहुत ही कहें वेस्टेज भी है, साथ में सिक्योरिटी के मामले में भी बहुत ज़्यादा ढीलापन देखने को मिल रहा है कि एक प्रधानमंत्री के लिए इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी कि आप नेवी के सबसे बड़े शिप को यहाँ पे लेके आए जबकि वो कहीं और जाके अपने दुश्मनों को दूर रखने के लिए तैर रहा होता। तो इसीलिए बहुत बड़ी घटना देखने को मिली थी उस समय। और इसी से पता चलता है कि बच्चन परिवार और गांधी परिवार में कितनी घनिष्ठता थी। लेकिन जैसे फिर अमिताभ बच्चन जो चुनाव लड़के जीते उसके बाद फिर बोफोर्स का मामला सामने आया। बोफोर्स स्कैम, आप उसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं, बहुत ही बड़ा स्कैम था। राजीव गांधी का नाम भी सामने आया था, अमिताभ बच्चन का भी नाम उसमें आ गया था। तो इस वजह से फिर और भी कुछ बातें थी जिसके कारण अमिताभ बच्चन ने अपने MP के पद से इस्तीफा दे दिया और एक तरह से राजनीति से संन्यास ले लिया। तो फिर क्या हुआ कि मित्रता तो रही लेकिन राजीव गांधी की हत्या के बाद वो मित्रता भी धीरे धीरे ख़त्म होती गई गांधी परिवार के साथ। अब राजीव गांधी हत्या के बाद कांग्रेस पार्टी को कौन कमान संभालेगा इसके बारे में कुछ दो तीन राय थे, जिसमें कुछ लोग चाहते थे कि गांधी परिवार से अलग होकर कांग्रेस आगे बढ़े और जो गांधी परिवार के सपोर्टर थे वो चाहते थे कि सोनिया गांधी को कांग्रेस की कमान दी जाए। और इस वजह से बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि जो राजीव गांधी के परम मित्र अमिताभ बच्चन अपने समय अपना इन्फ्लुएंस वहाँ पे जाहिर करते और सोनिया गांधी के को बैकअप करते, लेकिन अमिताभ बच्चन ने डिनाई कर दिया। अब उनको अपनी इमेज की बहुत ज़्यादा पड़ी थी क्योंकि बोफोर्स में भी वैसे ही नाम आ गया था सामने। उसके अलावा भी और जो खटास देखने को मिली वो है UPA के समय सोनिया गांधी एक कहें तो टॉप पे थी और अमिताभ बच्चन फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, एक तरह से बैंकरप्सी में आ चुके थे। तो वो चाह रहे थे कि गांधी परिवार उनकी मदद करे लेकिन सोनिया गांधी ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और वहाँ से देखने को मिलता है कि ये खटास एक तरह से परमानेंट हो गई। तो अमर सिंह जो थे वो अमिताभ बच्चन के हेल्प के लिए आए। अमर सिंह उस समय समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता थे और उनके अनुरूप ही फिर जया बच्चन जो थी वो पॉलिटिक्स नहीं राज्यसभा से MP चुनी गई थी समाजवादी पार्टी के जो टिकट पे। तो ये पूरा एक सिनेरियो है, एक क्रोनोलॉजी है बच्चन परिवार और राजनीति के मामले में। अब यहाँ पे देखें तो अनटोल्ड स्टोरी ऑफ पॉलिटिकल बच्चन फ्रॉम 80s व्हेन ही ज्वाइंड एंड क्विट पॉलिटिक्स। तो ये एक बहुत ही नामचीन जर्नलिस्ट रहे थे बीबी नागपाल, अपने समय में उन्होंने अपना जो ये एक एक्सपीरियंस था वो शेयर किया है। मैं उसका डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें बातें लिखी गई है। ये बच्चन परिवार है, ये हरिवंश राय बच्चन है, तेजी बच्चन है और बहुत सारे यहाँ पे बच्चे भी हैं। ये है अजिताभ बच्चन जो कि अभिषेक अमिताभ बच्चन के छोटे भाई थे, ये भी उनके साथ शाही की तरह रहते थे लेकिन फिर रिश्तों में बहुत कड़वाहट आ गई और ये अब बाहर रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं। तो उसके साथ फिर ये आप देख सकते हैं कि राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन साथ में एक स्टेज पे पॉलिटिकल रैली वहाँ पे कर रहे हैं और यहाँ पे उनको माला पहना रहे हैं अमिताभ बच्चन। अब यहाँ पे एक बात इंटरेस्टिंग मैं यहाँ पे लाऊंगा, नीदर देन नॉर एट अ लेटर स्टेज
ही सेड ही वॉज नॉट गेटिंग गुड फिल्म सॉरी ही वॉज गेटिंग गुड फिल्म ऑफर्स एंड ही वॉज देर वॉज पेंडिंग वर्क देर इज नो पॉइंट इंटरिंग इन टू पॉलिटिक्स. तो ये नागपाल जो है इनको बताया अमिताभ बच्चन ने, एक इंटरव्यू लेने गए थे उस समय इन्होंने बताया था कि अभी मुझे काफ़ी फिल्में मिल रही है, बहुत सारे काम और भी पड़े हुए हैं, तो इसीलिए मुझे कोई कारण नहीं होता है कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूं. लेकिन फिर तुरंत ही 1984 में उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की और इलेक्शन लड़ा, जीते भी बहुत ही तगड़े वोटों से. और फिर 1985 में फोर्स का स्कैम भी आया था, साथ में ये भी थी कि बात वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को कभी विजिट नहीं करते थे, कोई वहाँ जाते नहीं थे, अपने लोगों से मिलते नहीं थे जिन्होंने उनको वोट दिया था. तो इस वजह से काफ़ी वो हंगामा हुआ और इस वजह से अमिताभ बच्चन को भी लगा कि राजनीति उनके लिए नहीं है और उन्होंने संन्यास ले लिया, रिजाइन दे दिया था. लेकिन इंटरेस्टिंग बात वहाँ पर यही थी कि उन्होंने भी कहा था अपने समय कि मैं फिल्म जगत छोड़ के राजनीति में नहीं आऊँगा, लेकिन वो आ गए. इसी तरह अभिषेक बच्चन के साथ भी है. अब होता है क्या कि जब कोई बड़ा नाम राजनीति में उतरता है तो वो चाहता है कि लोगों के भाव को परखा जाए, टेस्ट किया जाए, कैसे सेंटिमेंट्स हैं, कैसे रिएक्शंस हैं, उसको देखा जाएगा और उसके बाद भी फैसला लिया जाता है कि अगर पॉजिटिव भाव है तो ज़रूर उनको टिकट मिलेगा और तो सही में वोट उनको ज़रूर मिलेंगे. तो इसलिए भी ऐसा देखने को हमें, मेरे हिसाब से तो यही लग रहा है कि यही होना चाहिए. और जब नॉमिनेशन की बारी होगी, जब टिकट वितरण की बारी होगी, तो ज़रूर अभिषेक बच्चन का नाम वहाँ हो सकता है समाजवादी पार्टी में. तो ये एक मामला है जो कि मैं आपके सामने रखना चाह रहा था. अब और देखिए, ये देख सकते हैं कि किस तरह से पार्टी जो मैंने बताया था INS विक्रांत सॉरी विराट पे, वहाँ पे ये लक्षद्वीप में ऐसे ही घर बने थे, वेकेशन हाउस था और अमिताभ बच्चन भी थे और ये INS विराट था उस समय. इसी पूरा एक चला था यहाँ पे, नामदार फैमिली ऑफ कांग्रेस यूज्ड INS विराट एज पर्सनल टैक्सी, प्राइम मिनिस्टर मोदी रेजेज राजीव गांधीज लक्षद्वीप वेकेशन यूजिंग एयरक्राफ्ट कैरियर. बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में फोर्सेस को इस्तेमाल किया गया था, अनएथिकली ही कह सकते हैं. यह है अमिताभ बच्चन. अब खटास की बात, इन दोनों के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा खटास आ गई. दोनों साथ रहते थे लेकिन बाद में बोफोर्स का मामला आया, फिर और भी कुछ बातें हुई जिसके कारण इन दोनों के बीच में खटास आ गई. तो अब दोनों के बीच में रिश्ता एक तरह से टूट ही चुका है. अब जया बच्चन को देख लें. जया बच्चन का फिल्मी कैरियर तो बहुत ज़्यादा, मैं उसमें नहीं जाऊँगा, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं पॉलिटिक्स में ये 2004 से ही और अभी भी वो राज्यसभा से MP है समाजवादी पार्टी के टिकट पे. और अभी उनके कुछ ज़्यादा ही मतलब काफ़ी बातें भी करती हैं. इनके व्यवहार को लेके बहुत ज़्यादा एक तरह से कहें कि कहा जाता है अमिताभ बच्चन का जो अपना इमेज है उससे उलट ही अभी जया बच्चन का व्यवहार देखने को मिल रहा है. गालियां भी दी हैं उन्होंने पब्लिकली और साथ में राज्यसभा में उन्होंने स्पीकर के सामने भी कुछ गलत तरीके से संदेश दिया था. तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं. लेकिन मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि जब आप संन्यास लेते हैं तो फिर आप बार बार पॉलिटिक्स में नहीं जाते हैं. फिर चाहे आप खुद भी हो या फिर आप अपने पत्नी की तरफ से, फैमिली मेम्बर्स की तरफ से. तो ये 4 बार MP 2004 से ही बात है और अभी 2023 है, तो लगभग 20 साल तो हो गए और ये बार बार वहाँ पे. तो इसीलिए असाधारण सी बात नहीं है कि अभिषेक बच्चन जो है वो हो सकता है कि मैदान में उतरे, उनका फिल्मी कैरियर जो है वो उतना ज़्यादा टॉप पे तो नहीं गया और आगे भी उम्मीद नहीं है कोई खास जाए. तो इस वजह से भी हो सकता है कैरियर में चेंज की भी बात हो. और कुछ मामले होते हैं जिसके कारण ऐसे बड़े बड़े फैमिलीज जो होती हैं वो राजनीति से अपने कनेक्शन रखना चाहती हैं, खासकर उनका कुछ इन्फ्लुएंस हो या फिर कुछ इस तरह जो चीज़ें करती है जो ग्रे एरियाज में होती है उस पर उनको प्रोटेक्शन मिले. जैसे कि एक पनामा पेपर के मामले आए थे जिसमें ऐश्वर्या राय जो कि बच्चन फैमिली की बहू है, अभिषेक बच्चन की पत्नी है, उनका नाम आया था
पनामा पेपर में। पनामा पेपर एक तरह से कहें तो टैक्स इवेजन के लिए बहुत सारे जो बड़े बड़े बहुत ही अमीर लोग वो कुछ ऐसे शेल कंपनी खोलती हैं जो ऐसे देशों में, किसी समय स्विस बैंक का नाम हुआ करता था, अब पनामा जो देश है उनका वहाँ पे, या बहामास, इस तरह के जो टैक्स फ्री जोन्स है वहाँ पे ये अपने पैसे को रखते हैं, इसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो उसमें ऐश्वर्या राय का नाम आया था और इन पे ईडी ने इनसे पूछताछ भी की थी, लेकिन अभी क्या मामला चल रहा है वो तो पता नहीं है। मैं यही बता रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ों में इन्फ्लुएंस देखना, एक राजनीतिक इन्फ्लुएंस रहना जरूरी है, कॉन्टैक्ट रहना जरूरी है। अब एक यही बात है, वी नो अमिताभ इज़ नॉट अ फार्मर, तो अमिताभ बच्चन ने एक पुणे में जो ज़मीन थी उस पर कब्ज़ा जमाने की कोशिश की थी और अपने आप को ये किसान घोषित करके वो कब्ज़ा जमाना चाह रहे थे, जो कि प्रयागराज में उन्होंने एक ऑफिस से, सरकारी ऑफिस से उन्होंने एक सर्टिफिकेट लिया था जिसमें उनको किसान घोषित किया गया था। तो महाराष्ट्र में एक लॉ है जो एग्रीकल्चरल ज़मीन है उस पर सिर्फ किसान ही उस ओनरशिप ले सकते हैं, तो अमिताभ बच्चन उस वैसे तो ओनरशिप नहीं ले सकते थे और वैसे भी वो फार्म हाउस बनाना चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने ये दूसरा तरीका निकाला। लेकिन न्यायालय ने इस पे अपनी जो है ठप्पा डाल दिया कि ये इलीगल है और इसीलिए फिर अमिताभ बच्चन ने उस ज़मीन को छोड़ दिया। तो ये भी है कि किस तरह से अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के कारण इस तरह के जो चीज़ें हैं वो हमारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ करते रहते हैं। तो इसीलिए आप देखते हैं कि शायद अभिषेक बच्चन सरकार तो नहीं लेकिन एमपी बने वहाँ पे, और ये पहली बार नहीं होगा कि जो मूवी इंडस्ट्री से कोई एमपी बनेगा, या फिर अमिताभ बच्चन एक मात्र ऐसे नहीं थे, या रेयर केसेस ऐसे नहीं है, क्योंकि अगर साउथ में देखें तो बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे वहाँ पे। अगर बॉलीवुड में देखें तो अमिताभ बच्चन के अलावा विनोद खन्ना एमपी थे, हेमा मालिनी एमपी हैं, उसके अलावा गोविंदा एमपी थे एक समय में, और इस तरह के बहुत सारे, ये सारे चुनाव लड़के जीते थे, तो इस तरह और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो कोई नई बात नहीं है। अभिषेक बच्चन का भी आना मैं तो चाहूँगा कि ज़रूर आए। अब इंटरेस्टिंग होगा कि वो मोदी के अगेंस्ट आएंगे, क्योंकि अमिताभ बच्चन जो है उनका उनसे बार बार कोशिश की जाती है कि वो मोदी सरकार के खिलाफ कुछ बोलें, लेकिन वो बोलते नहीं हैं, और साथ ही जया बच्चन हमेशा कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी कि अगर अभिषेक बच्चन सही में राजनीति में आते हैं तो वो किस करवट अपना उनका नज़रिया रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही, ये मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाह रहा था। आप भी अपने विचार मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, साथ में फेसबुक और ट्विटर पर भी मेरे साथ जुड़े, और फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।